दोस्तों इस साल एक और नया पे लेटर लॉन्च हो चुका है और इस पे लेटर का अमाउंट आप बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। वर्किंग पे लेटर है और मैं आपके सामने लाइव प्रूफ के साथ इस पे लेटर में अपना अकाउंट ओपन करने वाला हूँ। देखेंगे मुझे कितनी लिमिट मिली है और मैं इस पे लेटर के बारे में आपको सारी डिटेल में जानकारी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में लिखना है साल्ट पेलेटर। दोस्तों साल्ट पेलेटर नया आया हुआ है 1 फरवरी 2022 को, ठीक है। और अभी तक के इसके ज़्यादा लोग डाउनलोड नहीं है, कुल मिलाकर के 5,000 लोगों ने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। अभी इसको एक ही महीने पूरे नहीं हुए हैं, 10 से 12 दिन ही हुए हैं। आज तो 7 तारीख है, तो हाँ आज 7 तारीख है, तो इसको सिर्फ 7 ही दिन हुए हैं और 7 दिन में 5,000 लोगों को क्रॉस कर गया, ठीक है। तो मैंने इस पे लेटर को पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो सिंपली हम इस पे लेटर को ओपन करेंगे। जैसे आप ओपन करेंगे इस पे लेटर को, तो आपके साथ में मोबाइल नंबर एंड एम पिन का ऑप्शन दिखाएगा। आपको मोबाइल नंबर डालना है, एम पिन डालना है और आगे बढ़ जाना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों, मेरे को अभी एक भी लिमिट नहीं मिली है क्योंकि मेरी KYC पेंडिंग पे है। तो मैं आपके सामने KYC करूँगा और देखेंगे ये जो पे लेटर है वर्किंग कंडीशन का है या फिर फेक पे लेटर है। दोस्तों हम यहाँ पर पेंडिंग पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम मैनुअल तरीके से इसकी KYC करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, तो हम eKYC नहीं कर पाएंगे। प्रोसेस पर क्लिक कर देंगे, पूरी डिटेल हमारे सामने शो कर दी है। एक बात बता दूं दोस्तों, जब भी आप इसमें लॉगिन करेंगे तो आपके नंबर से जो भी पैन आधार कार्ड लिंक होगा उससे पैन कार्ड लिंक होगा, ये डिटेल ऑटोमेटिकली ले लेता है, आपको भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमको अपलोड पर क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पर आधार कार्ड की सामने की फ़ोटो, बैक फ़ोटो, फिर पैन कार्ड की और अपनी फ़ोटो देनी है। चलिए ये इन्फॉर्मेशन मैं भर देता हूँ, फिर देखते हैं मुझे लिमिट मिलती है या फिर मेरा जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट किया जाता है। तो मेरे भाई वो सब भरने के बाद हम यहाँ पर प्रोसेस पर क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे क्या आता है। यहाँ पर देखो थैंक यू सब कुछ लिख गया है क्योंकि हमने KYC कर ली है। अब उसके बाद हम यहाँ पर होम पर क्लिक कर देंगे और होम पर क्लिक करने के बाद देखते हैं हमको लिमिट मिली है या फिर नहीं मिली है। तो देखो भाई यहाँ पर फिर से हमको बताया जा रहा है नो लिमिट पेंडिंग KYC, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर हम फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो फिर से मैनुअल तरीके से KYC बता रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर अपलोड पैन कार्ड और फोटोज़ ये सब कुछ बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से अपलोड पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम फिर से आधार कार्ड की फ़ोटो वोटो ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम दोस्तों प्रोसेस पर क्लिक कर देंगे, अब देखते हैं क्या आता है हमारे साथ में। तो वेट करते हैं, अगर ये लिमिट मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, अगर नहीं मिलती है तो फिर देखेंगे क्या करना है, एप्लीकेशन सही है कि नहीं है। अगर लिमिट मिलती है तो देखने को मिल ही जाएगी, रिजेक्ट होता है तो वो भी आपके सामने सबको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ तक देखा है कि ये जो एप्लीकेशन है वर्किंग कंडीशन में है, मैंने ऐसा सुना भी है, यूट्यूब पर भी देखा हुआ है, उसके बाद में मैंने वीडियो बनाया है। तो अभी हम क्या करते हैं, यूट्यूबर की बातों का तो हम विश्वास नहीं मानते हैं, लाइव प्रूफ के साथ हम देखेंगे, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसको यूज करना है कि नहीं करना है। तो वीडियो थोड़ा पुश कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वेट करने को बोल रहा है, ठीक है। और देखो भाई यहाँ पर थैंक यू सब कुछ फिर से लिख के आ गया। यहाँ पर होम पर क्लिक कर देंगे, होम पर क्लिक करने के बाद देखते हैं अभी क्या आ रहा है, हमको लिमिट मिल रही है या फिर नहीं मिल रही। तो गाइस यहाँ पर देखिए फिर से हमको लिमिट नहीं मिल रही है, इसका मतलब दोस्तों आप क्या समझते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में मुझे बताइए, ठीक है। ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत तो है नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखो सरेंद्र कुमार नो एक्टिवेट, तो भाई एक्टिवेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो कह रहा है कि KYC पेंडिंग पे है। यार KYC पेंडिंग पे क्यों है, जब मैंने सब कुछ इसमें डॉक्यूमेंट डाल दिए हैं फिर भी KYC पेंडिंग पे क्यों बता रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो एप्लीकेशन है कहीं कहीं वर्क कर रही है, किसी किसी को तो हाल लिमिट दे देती है, बट अभी तो मुझे नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर योर KYC बीइंग प्रोसेस्ड कैंडली वेट टू गेट द लिमिट, यहाँ पर कह रहा दोस्तों बस
आपको वेट करना है। तो देखेंगे, अगर हमको 24 घंटे बाद अगर यहाँ पर लिमिट शो कर जाती है तो अच्छी बात है, वरना फिर तो बकवास एप्लीकेशन मानेंगे इसको। और भाई मैं आपको बता दूं, अगर ये लिमिट मुझे मिलती है तो मैं ज़रूर से एक वीडियो बनाऊंगा और लिमिट का आपको उसमें दिखाऊंगा कि मुझे कितनी लिमिट मिली हुई है, प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए दोस्तों आप मत इंस्टॉल कीजिएगा, जब तक मुझे लिमिट नहीं मिल जाती है तब तक आप थोड़ा वेट कर लें। 2 दिन बाद मैं एक वीडियो और डालूंगा, अगर मुझे लिमिट मिल जाती है ठीक है, और नहीं मिलती है तो मैं फिर से एक वीडियो बना करके आप बताऊंगा कि लिमिट नहीं मिल रही है। ठीक है, तो नया पे लेटर था, हमने इस पे लेटर के बारे में जान लिया है, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है अब मुझे, तो वेट कर लीजिएगा, मैं बाद में आपको सब कुछ बता दूंगा, लाइव प्रूफ के साथ दिखा भी दूंगा 2 दिन बाद क्या होता है। ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।